लॉकडाउन के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर की मजदूरों और गरीबों को। ऐसे में बिहार के मुजफ्फरपुर नगर में पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने बीबीगंज स्थित अपने घर पर गरीबों को राहत सामग्री बांटी है। अजीत कुमार ने 300 गरीबों को राहत सामग्री उपलब्ध कराई है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये मदद करने का अभियान लगातार जारी रहेगा। साथ ही ये भी कहा कि राशन कार्ड विहीन परिवार को 1,000 रुपया देने और 9 दिनों के अंदर राशन कार्ड बनाने की बात प्रचारित हो रही है, लेकिन गरीबों को इसकी आड़ में लूटा जा रहा है, जिस पर डीएम को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। लगातार आज अपने अभियान के तहत फिर लॉकडाउन में फंसे गरीबों के बीच राहत वितरण किया। गरीब काफी परेशान, दाने दाने के लिए तड़प रहे हैं। लगातार पिछले 25 दिनों से काम धाम छोड़कर घर में बैठे बैठे बीमार हो रहे हैं। राशन कार्ड का आज जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर ने घोषणा किया। जिलाधिकारी महोदय, आप घोषणा किए हैं, इसका अमली जामा पहनाने का भी व्यवस्था करिए। बिचौलिया और दलाल नया कार्ड बनाने के नाम पर लगातार गरीब को लूटते जा रहे हैं। तब तक हम लोगों को मदद करेंगे, और बिहार क्या और मुजफ्फरपुर क्या, राज्य के बाहर भी जो बिहार के मजदूर फंसे हैं, अब हम उनको दूसरे राउंड का भी मदद पहुंचा रहे हैं। और ये हमारा प्रयास, जो हमारा साधन है, जो क्षमता है, जो हमारे साथी का मदद है, उसके तहत ये लगातार मेरा प्रयास जारी रहेगा। मुजफ्फरपुर से न्यूज के लिए मुकेश मिश्रा की रिपोर्ट।